वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपके जो हमारे मेहमान आने वाले हैं, सुबह सुबह अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। और हम सब अपनी अपनी भी बात करें तो हमें जिंदगी में कभी ना कभी मोटिवेशन चाहिए होती है, कभी ना कभी नहीं बल्कि रोज सुबह किसी काम के लिए भी हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। और आज हमने आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त सी और एक ढेर सारी मोटिवेशन का इंतजाम किया। जनाब, आज के हमारे बहुत ही मुअज्जज़ मेहमान हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इनसे बात करने वाली हूँ और आप लोगों को बहुत खुशी होगी इनको सुनकर। जनाब, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ कासिम अली शाह साहब से। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कासिम अली शाह साहब, आज हम जिन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले तो हमने पहले डिस्कस किया कि जनाब आज हम एक टॉपिक को पकड़ के उस पर लोगों को गाइडेंस देंगे। हम फ्यूचर, हमारे जो प्लान्स होते हैं, हमारी जो मोटिवेशन होती है और बीच में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। अच्छा देखिए, हम सबके सब कहीं ना कहीं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते उतरते ज़िंदगी गुजार देते हैं, और ज़िंदगी के किसी आखिरी वक्त में जब बंदा मरने लगता है और उसके मरते वक्त में पछतावे देखे जाएँ क्या हैं, तो रिसर्च ने ये बताया है कि ज़िंदगी में बंदे को मरते वक्त सबसे बड़ा पछतावा मरते वक्त ये होता है कि काश मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरता, मैं अपने पैशन को फॉलो करता, मैं अपने दिल को फॉलो करता। दुनिया में बने बनाए ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स हर चीज़ में हैं, मुख्तलिफ तरह के स्केल्स मिलेंगे। आप अगर दुनिया के हर बंदे को सेटिस्फाई करने चले हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपको कहीं ना कहीं अपना स्केल डिफाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक यॉर्डस्टिक डिफाइन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको तय करना पड़ेगा कि आपने अपने अंदर के रंज को सेटिस्फाई करना है, अपने दिल को राजी करना है, अपने रब को राजी करना है। सो ये सारी दुनिया ये एक्सपेक्टेशंस बनाती है, मेरा बच्चा लाइक होना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरी बच्ची की ऐसी शादी होनी चाहिए, मेरे बच्चे का फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे को बाहर सेटल हो जाना चाहिए। ये सबके सब कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर रहे हो तो ये आपको एक्सपेक्टेशंस देंगे और ये एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं खौफ की शक्ल धार लेती हैं, ये कहीं ना कहीं एक खदशे पैदा करती हैं, ये कहीं ना कहीं कटहरों में खड़े होने की आदत देती हैं कि मैं जवाब दूं अपने बाप को भी, समाज को भी, माशरे को भी, दुनिया को भी। और हर सिनेरियो में कहीं ना, मैं कहती हूँ आप किसी फील्ड में ले लीजिए, आपने जो पहना है, आप जरा आज अपनी पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे कहिए कि मैंने जो पहना है इस पे राय दीजिए, आपको इतनी इतनी खौफनाक राय मिलेंगी, इतने इतने अजीबोगरीब सजेशंस मिलेंगे। शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको गुलामी नहीं दी कि आप हर एक को जवाब दें, आप दर दर के सामने खज्जल नहीं हो रहे, आप हर एक को आंसरेबल नहीं है। अल्लाह कहता है बंदा मुझे जवाब दे, और कहीं अपनी जात में अपने जमीर को जवाब दे दे कि गिल्ट ना हो उसके पास, उसके पास शर्मिंदगी ना हो, अपनी नजरों से गिरे ना। सो होता यह है कि जब आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रेशर लेते हैं, अंदेशों का प्रेशर, खदशों का प्रेशर, और सबसे बढ़ के आपको इनसिक्योरिटीज मिलती हैं, तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देती हैं, आपकी कारकर्दगी कम होती है, और कहीं ना कहीं जिस तरह वो पेड़ को धीमक लगती है तो पेड़ गिर जाता है, आपकी जात को भी खौफ और खदशे की धीमक लग जाती है। बेशक। अच्छा जैसे हम जब बात करते हैं फ्यूचर की, और जब हम, आपने भी कहा कि बहुत सारे खौफ अंदेशे हमारे दिमाग में होते हैं जब भी हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें माशरे का भी खौफ है, हमें इंटरनली ये कि अगर मैंने ये काम किया, हम अपने पैशन को परस्यू नहीं करते, हम उस लगी बंदी जिंदगी में आ जाते हैं जो हमें किसी ने, हम किसी और के ख्वाबों को जीते, हम अपने ख्वाबों को नहीं जीते। अच्छा देखिए, जिंदगी अपनी है, अपने ख्वाबों को जीना चाहिए, लेकिन ढूंढना चाहिए अपने ख्वाब हैं क्या। आप किसी 50, 60, 70 साल के बंदे से पूछिए उसने खुद से फैसले कितने किए, आपको पता लगेगा उसने एक फैसला भी खुद से नहीं किया होगा। ट्रेंड्स ने फैसले करवाए, बड़ों ने फैसले कराए। अच्छा, बड़ी दुनिया हालात के नियाग्रा फॉल में गिरी होती है। नियाग्रा फॉल की इतनी स्पीड होती है ना, आप अगर किसी नियाग्रा फॉल में गिरे हुए हैं, पानी के बहाव के साथ, हालात के बहाव के साथ बहते बहते कहीं पहुंचते हैं। यानी बंदा पूछता जी आप यहाँ कैसे आए, है तो लतीफा बना हुआ कि जी एक बच्चा पानी में गिर गया, कश्ती से एक बाबा जी ने छलांग लगाई, बाबा जी ने उस बच्चे को बचाया, लेकर कश्ती में आए, सबने क्लैपिंग की, वाओ किया, बाबा जी आप कितने बड़े इंसान हैं, आपने बच्चे को बचाया। तो बाबा जी ने रुक के कहा मनु धक्का किने दिता सी, यानी मैंने तो नहीं बचाया, मुझे किसी ने धक्का दिया था, और धक्के के चक्कर में बच्चा लेकर मैं आ गया। सो वो जो धक्के हैं वो कहीं ना कहीं आपको पहुंचाते हैं। ये जो दुनिया के धक्के, हालात की ठोकरें और बेबसी आपको लेकर जा रही है, इसमें सोचना चाहिए अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया, ये दुनिया की वाहिद मखलूक है।
जो इन्वेंट करती है, जो क्रिएट करती है, जो रास्ता ना मिले रास्ता बना लेती है, जो कहीं ना कहीं टकरे मार के ना तलाश में है, जो कहीं ना कहीं इतनी चीजों को इजाद कर चुकी है, ये वाहिद मखलूक है जिसके हाथ में अल्लाह ने उसकी तकदीर दी है, उसकी कोशिश से, तदब्बुर से, तफक्कुर से, सोचने से, स्ट्रगल करने से, स्ट्राइव करने से, बार बार ट्राई करने से, प्रैक्टिस करने से, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने से। सबूत देखिए, दुनिया में कोई पोलियो के कतरे बतखों ने मिलके नहीं बनाए। दुनिया के कोई एक एक गैजेट, एक अच्छा सा टच फोन सारे शेर मिलके बना दे कि जनाब हमने एप्पल बना दिया। दुनिया में कोई एक अच्छी सी डबल रोटी सुबह खाने के लिए जैम लगा के हिरणों ने नहीं बनाई। दुनिया की किसी मखलूक को इन्वेंट करना नहीं मिला। जैसे जंगल चल रहे थे, दुनिया चल रही थी, सारी इंसान वाहिद था जिसको अल्लाह ने ये सारी सलाहियत दी क्रिएट करने की। ये अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। सो जो बंदा अपनी इस क्रिएट करने की, हालात को क्रिएट करने की, डिसीजन से अपने मुस्तकबिल को बदलने की, एक लम्हे में एक फैसला करना और आने वाले सारे कल को बदल के रख देना, ये ताकत अल्लाह ने इंसान को दी है। जो इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करता और हालात की जद में आके जिंदगी गुजारता है, फिर यकीनी बात है वो एक काबिल इंसान नहीं। सो वो गिले करेगा, शिकवे करेगा, वो कहीं खड़े होके कहेगा जी लोग ही शहर के लोग भी जालिम सन, वो शहर के लोगों पे डाल देगा, वो हालात पे डाल देगा, वो किस्मत पे डालेगा, किस्मत का रोना रोता रहेगा। मैं किस्मत का इनकारी नहीं हूँ, किस्मत की एक अपनी डोमेन है, एक सर्कल है इख्तियार का, जिसे जबरो कदर कहा गया है ना जी। कदर तो कबूल करनी पड़ती है, जबर तो कबूल करना पड़ता है। कदर की डोमेन है एक्शन की डोमेन। एक्शन की डोमेन में रहते हुए पूरा जोर लगाना आपके लिए लाजमी है। आज से ना सुनने वालों को तय करना चाहिए, जो आप कर सकते हो खुदा के लिए जरूर करो, जरूर करो, और जो कर नहीं सकते उस पे सबर शुक्र करो। अच्छा, आपने भी बात की कि हम लोगों को अपनी सिम्त का तायुन नहीं होता। समटाइम्स हम लोग ये सोचते हैं और अपने फोकस नहीं होते, गोल्स हमारे सेट नहीं होते, उसके लिए बहुत सारी एफर्ट भी करती हैं और बहुत डबल माइंडेड और कंफ्यूज्ड भी होते हैं। बहुत गोल सेट करना, फोकस्ड होना कितना जरूरी है जिंदगी। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि गोल सेटिंग सेकेंड है तरतीब में। अच्छा, सक्सेस की तरतीब में गोल सेटिंग दूसरे नंबर पे आती है। अच्छा, पहले नंबर पे सेल्फ डिस्कवरी आती है। ओह यस, यानी आप हैं क्या और आप जो हैं इसके मुताबिक अब आपको गोल क्या सेट करना है। यानी मिसाल लीजिए कि बंदा बगैर ये जाने कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे ट्रेंड्स क्या हैं, मुझे अल्लाह ने सलाहियत क्या दी है, मेरे में पोटेंशियल काहे का है, मेरा टैलेंट क्या है, मुझे किन कामों को करके खुशी मिलती है, मैं किन चीजों को जानने के बाद खुशी महसूस करता हूँ, मुझे क्या सीखना अच्छा लगता है, वो क्या चीज है जो मेरी डिग्री की पढ़ाई में, किताबों में, यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है लेकिन मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं तलाश करता रहता हूँ, वो किस तरह के लोग हैं जिनको मिलने के बाद मुझे एनर्जी मिलती है, वो किस तरह के लोग हैं जिनको मिलने के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस फील करता हूँ, वो किस तरह के लोग हैं जो मुझे ख्वाब देखने पे मजबूर करते हैं, वो किस तरह के लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि मुस्तकबिल अच्छा भी हो सकता है, वक्त अच्छा भी हो सकता है, वो किस तरह के लोग हैं जो मुझमें यकीन पैदा कर देते हैं कि आज को वक्त को बदला जा सकता है। याद रखिए, सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी आती है। ये सेल्फ डिस्कवरी ना हो तो दुनिया में कोई ईदी नहीं होता, ये सेल्फ डिस्कवरी ना हो तो दुनिया में कोई नेल्सन मंडेला नहीं होता, ये सेल्फ डिस्कवरी ना हो तो दुनिया में कोई फैज अहमद फैज नहीं होता, ये सेल्फ डिस्कवरी ना हो तो कोई मोहम्मद अली जिना, इकबाल, टीपू सुल्तान, कोई बड़ा नाम दुनिया में पैदा ना होता। ये सब के सब वो लोग थे जिन्होंने खुद शनासी की। आप कमाल देखिए, इन सबकी जिंदगियों को पढ़ के देखिए, ये कर कुछ और रहे थे, ये कुछ और कर रहे थे, लेकिन इन्होंने डिस्कवर किया कि जो ये कर रहे हैं इन्होंने करना नहीं है। मुझे वाकया याद आता है कि अहमद फराज बड़े अच्छे शायर थे, तरक्की करते करते क्लरिकल जॉब थी, ग्रेड 18 पे चले, ग्रेड 18 पे अहमद फराज चले गए तो एक महफिल में, एक शादी की पार्टी में मौजूद थे। अब फेमस शायर, जब बंदे का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन चुका हो फिर जो मजा आता है, क्या बताएं। अब वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं दुनिया को, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, उसी महकमे का एक ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का वहां मौजूद था, उससे रहा नहीं गया ना। एक मतलब फर्ज करो कि एक जूनियर एंकर है, एक सीनियर एंकर है, जूनियर को सारे मिल रहे हैं तो सीनियर को तकलीफ होगी, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई कि ये मतलब क्या हो रहा है। अभी वैसे इस टॉपिक पे हमें जाना चाहिए जेलेसी, बिल्कुल हमने भी जाने, ये तकलीफ होनी शुरू हुई कि यार ये 18वें ग्रेड का मुलाजिम है और क्लरिकल से तरक्की करके ऊपर आया, मैं ब्यूरोक्रेट अफसर हूँ। कहीं वो अफसर चलते चलते पास है, सिगार लगाया हुआ था, दुनिया चिमटी हुई है अहमद फराज को, और उन्होंने कहा अहमद फराज आपका ग्रेड कौन सा है। अहमद फराज ने ऑटोग्राफ देते देते कहा हजरत मेरा ग्रेड 18 है। उसने कहा जी मेरा ग्रेड, कश लेके कहा मेरा 22 है। तो अहमद फराज ने साइन मुकम्मल की और एक बात कही कि हजरत मेरा ग्रेड तो 18 है
लेकिन मुझे अहमद फराज भी कहते हैं, मेरी शनाख्त में अहमद फराज शामिल है। जबरदस्त जनाबे वाला, आप अफसर हैं, आप ग्रेड 17 पे हैं, 22वें पे हैं, सियासतदान हैं, एमपी हैं, मैंने कुछ भी हैं, हजरत बंदे कितने बड़े हैं, अगर आपका जात का कद बड़ा नहीं है ना, तो आप असल में बोने हैं। याद रखें, जो सीट के साथ बड़ा होता है ना, जो किसी ओहदे के साथ बड़ा होता है, जो चिपक के लिपक के बड़ा होता है बसों के पीछे लटक के कि मेरी भी स्पीड बड़ी तेज है, वो बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो किरदार में बड़ा होता है, जो सोच में बड़ा होता है, जो नजरिए में बड़ा होता है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन में बड़ा होता है, जो ये सोचता है कि मेरी दुनिया में आने से फर्क पड़ना चाहिए, मैं जाऊंगा तो दुनिया पर फर्क पड़ेगा, जो दुनिया के नक्शे पे। मैं बच्चों को असाइनमेंट देता हूँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाके, आप सबके सब भी इस असाइनमेंट को करके देखिए, जो आपकी फील्ड है ना, उस फील्ड को कभी यूट्यूब करके देखिए। मसलन मेरी फील्ड है, मैं ट्रेनर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आप सर्च कीजिए कि यूट्यूब पे आप लिखें टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप अपनी फील्ड में टॉप 10 पे नहीं, अपने मुल्क में, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान के नक्शे पे आप नहीं दिख रहे, आपको जीने का हक नहीं है, आप कहां खड़े हैं फिर? अपनी फील्ड में आप दिख ही नहीं रहे, आपको बताना पड़ रहा है जंपे लगा के मैं भी गया। ये कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। कमाल ये है कि आप अगर मौजूद है ना, तो नक्शे पे फिर दिखना चाहिए कि इस फील्ड में बंदा ये है। दुनिया के सारे नक्शे पे, पाकिस्तान के नक्शे पे एक नाम ईदी होगा, दुनिया जानती होगी ईदी कौन है, हकीम सईद होगा, दुनिया जानती होगी, इकबाल होगा। मैं कई दुनिया के मुल्कों में गया हूँ, यकीन करो, मैं तुर्की में था, कुनिया में था, तो एक महफिल में बैठे हुए मैंने उन्हें बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो शायरे मशरक की वजह से उन्होंने मेरा एहतराम करना शुरू कर दिया। हवाला इतना बड़ा है कि यार तुम उस मुल्क से हो, उस देश से हो, उन इलाकों से हो जहां इकबाल पैदा हुआ, जहां इकबाल ने फलसफा खुद ही दिया। सो बताने का मकसद ये है कि सबसे पहला काम है खुद शनासी। ये खुद शनासी इतनी बड़ी चीज होती है कि ईंटें उठाने वाले, दीवारों पे चुनाई करने वाले और यूनिवर्सिटी पंजाब की दीवारों को बनाने वाले एक ऐसे मजदूर की जिंदगी में इनकलाब लेकर आती है खुद शनासी। उन्हीं दीवारों के साए में एहसान दानिश, वही मजदूर, उसके मुशायरे हो रहे होते हैं। ये इतनी ताकतवर चीज होती है कि ये काले हबशी को उठाती है, 27 साल जेल में फेंक देती है, उसे बाहर निकालती है, वो खुद शनास नेल्सन मंडेला कहलाता है। ये इतनी ताकतवर होती है कि एक लूथर किंग पैदा होता है, एक दुनिया को जुमला देके जाता है, अगर तुमने जीने की वजह दरियाफ्त नहीं की, तुम्हें जीने का हक नहीं है, मर जाओ जाके। जीना है तो किसी जवाज हस्ती के साथ जियो, किसी मकसद के साथ जियो। सो पहला कदम है खुद शनासी। जब पहला कदम मुकम्मल होता है तो पहले कदम के बाद दूसरा नुक्ता आता है, गोल सेटिंग। बिल्कुल, हम क्या कहते हैं पुत्र, गोल सेटिंग। हाँ, हमें तो यही ट्रेनिंग और शुरू से यही फीट किया जाता है। ए के बगैर बी कैसे होगा, एक के बगैर दो कैसे होगा, पहले कदम के बगैर दूसरा कदम कैसे होगा। सो सबसे पहले हमें इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, खुद को भी, कि जो अच्छा कर सकते हो वो करो, वो ना करो जो दुनिया कह रही है, वो ना करो। बाहर की आवाजों को सुनना आज से खुदा के लिए छोड़ दे, अपने अंदर की आवाज को सुनो। ये दिल बोलता है, दुनिया बोलती है ना, दुनिया को सुनते हो, चाचे को सुनते हो, मामे को सुनते हो, प्रोफेसर्स को सुनते हो, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हो, कभी अपने दिल की सुनो। ये दिल इतना सच्चा है, एलिफ शफक है ना, पढ़ा? बिल्कुल, 40 रूल्स ऑफ लव, वो क्या किताब कमाल की उसने लिखी। उसने कहा इस कायनात में दो सच्चे, एक रब सच्चा है, एक दिल सच्चा है। जो दिल बोलता है ना वो झूठ नहीं बोलता। जबरदस्त सर, अभी हम बात कर रहे थे जेलिसी के हवाले से, और हमने उसको बहुत डिटेल में एलिबरेट भी किया कि हमारी जिंदगी में खुद कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हम सूरत में निकालते हैं, कभी कभी वर्बल होते हैं, कभी कभी नॉन वर्बल भी होते हैं। अच्छा, एक जेलिसी का ना एक और पहलू है, और ये बड़ा खुशाइन पहलू है। अगर आपसे कोई जेलस है ना, तो आपको मुबारकबाद। क्यों? वो बंदा आपकी खूबी का जानने वाला, उसको पता लग गया इस बंदे ने तरक्की कर जानी है, तो इसलिए जेलस हो अब उससे रहा नहीं जा रहा। जब वो मैं बता रहा हूँ, देखें, एक चीज जानने के लिए आंख चाहिए, जैसे हीरे को पहचानने के लिए जोरी की आंख चाहिए ना, वो बंदा जान गया कि ये बंदा गैर मामूली, वो जान, अब उसके पास ना, अब वो बंदा अगर खुद नेगेटिव है तो वो जेलस होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो रश्क में जाएगा, वो कहेगा माशाल्लाह, वेरी नाइस, कितना अच्छा है, कितना जबरदस्त है, अल्लाह और कामयाबियां आपको दे, वो दुआग होगा, वो वेल विशर बनेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर वो कचीचियां आएंगी, जब कचीचियां आएंगी और वो नेगेटिव हो के वो जब अपने आप पे तारी करेगा। अच्छा, होता क्या, कई लोगों को बचपन से जेलस होने की आदत होती है, वो अपना सूट नहीं देखते, वो दूसरों का सूट देखते हैं। अच्छा, वो अपने काम नहीं देखते, वो दूसरों के काम देख के जेलस होते हैं, वो दूसरों की, एक बड़ा अच्छा जुमला एक है मूवी का,
और मूवी का नाम हम इसलिए ले लेते हैं कि मूवी वो दोनों मुल्कों में दुनिया में देखी गई, उसका नाम था थ्री इडियट्स। उस मूवी का डायलॉग बड़ा मजे का, वो कहता है दोस्त फेल हो बड़ा दुख होता है और दोस्त टॉप कर जाए तो फिर तो बहुत ही दुख होता है। ये जो बहुत ही दुख होता है ये इसलिए होता है कि वो जेलसी होती है आपकी ना। सो जेलसी में याद रखें कि अगर आपसे कोई जेलस है प्लीज उसे रास्ता दे दे, प्लीज उसके लिए दुआ गो हो, उससे कोशिश करें पंगे कम लें। हाँ। कोशिश करें उसे अवॉइड करें, अवॉइड करें। इसको ना हम एक और नाम देते हैं। हाँ। इसको डोनाल्ड क्लिफ्टन की किताब है बड़ी मजे की, वो कहता है दीज आर डैपर्स, एनर्जी चूस। कुछ लोगों में एनर्जी चूस होती है। हाँ। आप इनके साथ पंगा ले लें, सिंग फंसा लें, ये आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं। और अगर आपका सुबह सुबह ऐसे किसी इंसान से इंटरेक्शन हो जाए आपका पूरा दिन बेकार हो जाए। मतलब मैं कहते हैं देखिए आज जागो लाहौर की मेहरबानी है, सुबह एक मोटिवेशनल स्पीकर सो कॉल्ड माफी के साथ मैं टीचर कहता हूँ, आपको टीचर कहता हूँ और हमेशा यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जहां भी पढ़ाया हमेशा इस पे फख्र महसूस किया, पढ़ाया मोटिवेट किया। पाकिस्तान में नाज़रीन हजारों डी मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं। ये सासों की शक्ल में भी हैं, ये बॉसों की शक्ल में भी हैं, ये दोस्तों की शक्ल में भी हैं, सीनियर्स की शक्ल में भी हैं, रिश्तेदारों की शक्ल में भी हैं, बहन भाइयों की शक्ल में बाज़ूकात होते हैं, खामद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब इनके पास डिग्री नहीं है, इनमें से अक्सर पीएचडी डी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। और इनका काम क्या है, ये आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, ये बैठेंगे, ये एक बात लगाएंगे जो बस आगे लेंगे, ये आपको बातें लगाएंगे, ये आपको बेवजह क्रिटिक करेंगे, ये चलती गाड़ी को देख के ना, वैसे जरा सोचना चाहिए कि मखलूक है जो चलती गाड़ी को देख के भागना शुरू कर देती है, अच्छा फिर अगली गाड़ी का वेट करती है, यहाँ तो भाग के पहुंच जाए ना उस गाड़ी के साथ, नहीं, वो नहीं। अच्छा वो गाड़ी निकल जाती फिर अगली गाड़ी के पीछे भागती है। ये एक अप्रोच है, ये अप्रोच का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बंदे का दिल तंग है। ये जुमला मेरा याद रखिएगा, अगेन मेरा जुमला क्या फैज है वासिफ साहब का, वासिफ साहब फरमाया करते थे दिल तंग हो तो ख्याल तंग होता है, दिल बड़ा हो बड़े दिल में ख्याल बड़ा आता है। यानी हुस्ने ख्याल के लिए दिल बड़ा चाहिए, ईमान चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल चाहिए, खुदा के लिए अल्लाह की रजा पे राजी होना सीखो, दूसरों के नसीब। दुनिया में ना एक चीज है नाजरीन चोरी नहीं हो सकती, आपकी तिजोरी में जेवर पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं, प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, बैंक में पैसे पड़े हैं, बैंक करप्ट हो सकता है, आपकी जेब में कुछ है, गन पॉइंट पे छीना जा सकता है। दुनिया में वाहिद एक चीज है जो चोरी नहीं हो सकती और उस ना चोरी होने वाली चीज का नाम है नसीब। नसीब अल्लाह ने तख्लीक किया है, माँ के पेट में आपको जब तख्लीक किया गया आपके नसीब को भी तख्लीक किया गया। दुनिया का हर बच्चा अपने नसीब को लेकर आता है, जब आप अपने नसीब पे यकीन रखते हैं ना फिर इत्मीनान होता है। अच्छा आपको एक और आप अभी बताऊं शुक्र करने का आसान तरीका, पीछे मुड़ के देखिएगा, यकीन करें अल्लाह ने ना आपको आपकी औकात से ज्यादा दिया। हम सब आप मुड़ के देखो, हम सब यहाँ जो टीम में बैठे हुए हैं हम सब मुड़ के देखें, हमारी औकात नहीं थी, हमने जो पहना है, जो खाया है, जो पिया है, जो नाम अल्लाह ने दिया है, यानी हमें लोग सुन रहे हैं, जरा सोचो, यानी आप में सोचे, हमने कभी सोचा भी ना, हमें लोग सुन रहे हैं, इतने इतने आलमों का शहर है, इतने इतने बड़े मुफक्करों का शहर है, इतने इतने लोगों ने किताबें और इतने इतने काम किए हुए हैं, लोग उन्हें नहीं सुनते। हम जैसे खोटे सिक्के चल रहे हैं, ये जो खोटे सिक्के चलते हैं ये अल्लाह के करम से चलते हैं, और जो अल्लाह के करम पे यकीन रखता है वो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है। हमें शुक्र करना चाहिए कि या बारी ताला, मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा जी 40 साल पहले तुम ईमानदारी नाल दसो ताड़ी विश की सी, उन्होंने कहा जी एक यामा दी मोटरसाइकिल ते एक पांच बंदे दा घर। मैं कहा जी हुण कित्थे रहिंदे पियो, कहिंदा कनाल दा घर है, तीन गड्डियां ने। मैं कहा हजरत इहदा मतलब है वे अल्लाह ने तुहानू ताड़ी औकात दे हिसाब नाल नहीं दित्ता, अल्लाह ने अपनी शान को देख के दिया है, ये मेरी शान है, रब की शान है कि वो नवाजता है। खुदा के बंदो जो मिला है उस पर राजी हो, जो थोड़ा मिला उस पर भी राजी, लगता थोड़ा होता थोड़ा नहीं है, होता थोड़ा नहीं है। मेरी जिंदगी का फलसफा है कि वो मोमेंट जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता किसी और मोमेंट पे पता लगता है बड़ा अच्छा मोमेंट, बड़ा अच्छा मोमेंट था, बड़ा अच्छा मोमेंट था। एक कहानी बनी हुई है ना, वो दुनिया में जितनी कहानी है ना उनके पीछे मैसेज होता है। एक कहानी बनी हुई है कि लैला ने ना कुछ बांटना शुरू किया और बांटने के लिए शहर आ गया, लाइनें लगी हुई, क्यूज में लोग वो देगों में से निकाल निकाल के बांट रही है लैला अपने हाथों से। तो मजनू भी आ गया, मजनू दीवाना था, उसने कासा आगे किया, तो लैला को ना मजनू से चिढ़ थी थोड़ी सी ना। अच्छा। उसने क्या किया, उसे उसमें कुछ लंगर डालने की बजाय उसका कासा तोड़ दिया, तोड़ा वो टूटा, मजनू खुश धमाले डाल रहा है। सब ने मिलके कहा यार तू कितना अजीब बंदा है, तेरा कासा तोड़ दिया तू खुश है, कहिंदा और किसी का तोड़या, वाह सिर्फ मेरा तोड़या। याद रखें जो मुनफरिद हो रहा होता है ना आपके साथ वो अल्लाह का करम होता है, जो हटके हो रहा होता है ना वो अल्लाह का करम होता है।
اگر آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق ایکسیپشنل فیل نہیں ہوتا, آپ شکر نہیں ادا کر سکتے. او جی گڈی تے سب کو لے گئی ہے جی, ایم اے تے سب نے کر لیا جی, امی ابو تے سب دے ہوندے نے جی, روٹی تے سب نے کھا دی ہے جی, اے کپڑے تے سب نے پائے نے. جو سب کو یہ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے نا, اس پہ شکر نہیں ہوتا. جب آپ کو لگتا ہے نا یار کتنا کرم ہے میرے اللہ کا, کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایمان دیا, اس نے مجھے توکل دیا, اس نے مجھے آسانیاں دی ہیں, اس نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے, اپنے در کا سوال ہی رکھا ہے. میں مطلب در در پہ جا کے میں خوار نہیں ہوتا, میں کسی سے امپریس نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات ہے, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا. بڑے بڑے وقت کے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ملا, ریئلی انہوں نے جاتے ہوئے کہا کوئی کام دسو, کام ہی کوئی نہیں سی. ریئلی کہتے ہیں کام, میں کہا کام تو کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ کے پاس محتاجی نہیں ہے نا, صرف اللہ کی محتاجی ہے, اس سے بڑا شکر اور کیا ہوگا. سو میں تو دعا مانگوں گا جی, اللہ اپنے در کا سوال ہی رکھے, اللہ ہمیں کسی اور در پہ کبھی جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے. سو اگر آپ پازیٹو ہو گئے, پازیٹو بندہ جیلسی سے بچتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نظر سے بچنے کا حل بتائیں, تو ہمارے پروگراموں میں کہیں دم کرنے والے بابے بھی آ جاتے ہیں. سمپل آپ کو رول بتا رہا ہوں, پازیٹو انسان بنے. اگر آپ مثبت انسان ہیں نیگیٹیوٹی کا اثر نہیں ہوگا, اگر آپ دعا گو انسان ہیں نیگیٹیوٹی کا اثر نہیں ہوگا, شکر گزار انسان ہے کسی کی بری نظر کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ اچھا چاہتے ہیں, آپ کی شوائیں اچھی ہیں, آپ کا اورا اچھا ہے, آپ کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اچھی ہے, تو پھر کسی کا منفی رویہ, منفی بات, منفی جملہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا. لولی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے آنے کا. ہمیں لٹرلی صبح صبح اتنی اچھی باتیں سننے کو ملی, اور میری کوشش ہوگی کہ ہم آن اینڈ آف شاہ صاحب سے ٹائم لیتے رہے اور یہاں پہ حاضری دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ. جناب ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ڈسکشن مزید بھی مہمانوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.